चैप्टर का नाम है इशू ऑफ डिबेंचर। इसके अंदर हमारा टॉपिक चल रहा है इंटरेस्ट का। सर इंटरेस्ट के टॉपिक की बात करें तो इसमें दो टॉपिक्स हैं, एक है आपका विदाउट टीडीएस एक है आपका विद टीडीएस, यानी इंटरेस्ट कैलकुलेट जब करोगे तो टीडीएस को कंसीडर करोगे। समझेंगे टीडीएस क्या है। वैसे हालांकि लास्ट क्लास में थोड़ा सा हिंट दिया था टीडीएस का क्या होता नहीं होता, आज फिर से देख लेंगे। विदाउट टीडीएस हो चाहे विद टीडीएस हो, इंटरेस्ट जो पेमेंट किया जाता है ना कंपनी की तरफ से, वो साल में एक बार भी हो सकता है और दो बार भी हो सकता है। मैं मान लेता हूं कि कंपनी कह रहा है दो बार, एक बार पे कर रहा है 30 सितंबर को और एक बार पे कर रहा है साल के एंड में 31/3 को, यानी 31 मार्च। सपोज करो मैंने लिखा 10% डिबेंचर रुपीस 1.5 लाख, तो इसका वेरी सिंपल मीनिंग है कि 1.5 लाख पे आपको 10% का ब्याज देना है। तो जो हम सीख रहे हैं वो क्या सीख रहे हैं, इंटरेस्ट की जर्नल एंट्री है ना। तो अगर 1.5 लाख की बात करें, 10% 1.5 लाख पे अगर निकालते हैं तो हमारा आएगा क्या, 15,000 रुपये। इसी को दूसरे फॉर्मेट में बोला जा सकता है, 10% डिबेंचर 1500 एट 100 ईच। क्या बताइए इस पे कितना ब्याज आएगा, क्योंकि यहां पे पहले आप अमाउंट में कन्वर्ट करिएगा, 1.5 लाख ही बनेगा और फिर अगेन आपका 10% निकालेंगे तो 10% ही बन जाएगा, ठीक है ना, 10% ही बन जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक, यहां तक क्लियर है। अब बात करते हैं हम इंटरेस्ट, तो दोनों केस में बनेगा 15,000। अगर साल के अंत में आपको ब्याज दिया जाए, साल के एंड में, तब तो पूरे 15 मिलेंगे इस डेट पे। अगर मैं साल के दो बार दे रहा हूँ तो आपको 15 नहीं मिलेगा, एक बार मिलेगा 7.5, यानी सितंबर में आपको मिलने वाला है 7500 और यहाँ मिलने वाला है आपको, ये बात आपको समझ में आई, पहले ये बताइए कि सर 75 क्यों कर लिया, क्योंकि ये जो 10% होता है ना हमेशा पर एनम होता है पूरे साल का, और जब आपको ब्याज बोला गया तो ये ब्याज दो पार्ट में बट गया, समझे, एक हो गया 30 सितंबर को, 15,000 का दो हिस्से में बांटा तो एक यहाँ पे बट गया। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई समस्या, कोई परेशानी, यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है ना आपको। सर यहाँ पे साल के बीच में जब इंटरेस्ट दिया जाएगा तो दो एंट्री होगी, क्या एंट्री होगी, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, और देंगे किसको, डिबेंचर होल्डर, DH का मतलब है डिबेंचर होल्डर, कितने रुपए से। देखो कई बार मैं लिखता नहीं अकाउंट डेबिट, लेकिन आपने एग्जाम में सब कुछ लिख के आना है। बीइंग क्या लिखेंगे इसका, बीइंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ड्यू, ठीक है। एक अगली एंट्री करेंगे डिबेंचर होल्डर टू बैंक, ये हो गया हमारा पेमेंट की एंट्री, जो कि आ जाएगा 7500 एंड 7500। कोई दिक्कत यहाँ तक, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अगले पॉइंट पे चलते हैं हम। सर अब मार्च में भी एंट्री होगा, तो मार्च में जब पेमेंट होगी तो हमेशा तीन एंट्री होगी, एक एंट्री आपका ड्यू का और एक एंट्री पेड का जो एज इट इज है, एक एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करने का, ठीक है ना। तो अगर मैं मार्च की पेमेंट की बात करूं तो ये वाली एंट्री सेम हो जाएगी, एक तो इंटरेस्ट डेट भी डालना है आपने, ऑन डिबेंचर 7500 और टू डिबेंचर होल्डर कर दोगे, कितने 75। अगली एंट्री होगी डिबेंचर होल्डर टू बैंक, कितने से 7500। अगली एंट्री करेंगे हम
स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। आपने ध्यान देना है कि इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर सारा आएगा। अब सर सारा का मतलब जो पहले और अब, यानी टोटल 15,000 रुपए आप प्रॉफिट एंड लॉस में 15,000 दिखा देंगे। ये है हमारा फर्स्ट केस जब इंटरेस्ट निकालते हैं विदाउट टीडीएस। क्या मैंने यहां कोई टीडीएस का चर्चा किया है? नहीं किया। हालांकि ये पार्ट मैं लास्ट क्लास में भी कर चुका हूं, ठीक है। तो कुछ बच्चे नए हैं जिनको नहीं क्लियर हो तो वो ये समझ में आ जाएगा इजीली, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है इसमें, क्लियर है ना। अब अगले वाले पॉइंट पे चले विथ टीडीएस। तो एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ क्विकली, हालांकि लास्ट क्लास में हमने डिटेल में किया है। जो बच्चे लाइव क्लास में हैं वो लाइव सेक्शन में जाके क्लास टू को देखेंगे, तो टीडीएस पे मैंने काफ़ी देर तक उसके अंदर डिस्कशन किया है। टीडीएस का फुल फॉर्म होता है, टीडीएस दो तरीके के होते हैं। एक टीडीएस वो भी होता है घर पे वाटर प्यूरीफाई लगता है तो वहाँ भी टीडीएस चेक करते हैं, वो पानी का लेवल होता है टीडीएस। ये टीडीएस है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, एडवांस टैक्स आपसे काट लेना। आपका इनकम 2,50,000 के बराबर होगा या नहीं होगा कंफर्म नहीं है, पहले टीडीएस काट लेगी गवर्नमेंट। अगर आपका इनकम 2.5 लाख के बराबर हो जाता है तो आपको टैक्स देना ही है 2.5 लाख से ऊपर पे। अगर 2.5 लाख से कम रहता है तो आपको टैक्स नहीं देना होता। ये आप तीसरे सेमेस्टर में पढ़ोगे, और जो बच्चे कुछ बच्चे पढ़ चुके हैं और कुछ बच्चे पढ़ेंगे तीसरे सेमेस्टर में जाके, ठीक है। तो सर टीडीएस का कॉन्सेप्ट क्या है? होता ये है, ये कौन है हमारा, मान लो ये है कंपनी, और ये कौन है हमारा, ये है हमारा डिबेंचर होल्डर, ये कौन है, और इन सबसे ऊपर है गवर्नमेंट, समझे बात। करना क्या होता है, कंपनी को इंटरेस्ट इसको देना है। लेट सपोज एग्जांपल के इंटरेस्ट पेड करना है इसने 10,000। गवर्नमेंट कंपनी को क्या कहती है, आप इसे 10,000 मत पेड करिए, इसको टीडीएस काट के पेड करिए। यानी ये क्या करेगा, कंपनी डिबेंचर होल्डर को 10,000 नहीं देगा, 10% टीडीएस काट लेगा। जो रेट दे रखा हो क्वेश्चन में आपने वही मानना है। मेरे केस में टीडीएस मैंने बता दिया 10, और मैक्सिमम चांसेस मान के चलो क्या होगा 10 होगा। 10% काट के यानी 1,000 कट कर लेगी कंपनी, और इसको कितने देगी, 9,000 दे देगी, और 1,000 रुपये किसको दे देगी, गवर्नमेंट को। इसके जेब से कितने गए, और ये अपने P&L में खर्चा कितने दिखाएगी, 10, क्योंकि भाई कंपनी के तो 10 ही खर्चे हैं। समझ में आई बात आपको? तो अगर मैं बोलूं कि कंपनी डिबेंचर होल्डर को कितने अमाउंट पेड करेगी, तो जवाब 9,000। कंपनी अपने प्रॉफिट एंड लॉस में कितनी एंट्री दिखाएगी, तो जवाब है सर 10,000। अगर मैं बात करूं ड्यू की एंट्री, तो ड्यू की एंट्री में इसका मतलब क्या है, इस वाली एंट्री में समझो, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 7500 टू डिबेंचर होल्डर, यानी डिबेंचर होल्डर को देने ही 7500 है। अब एंट्री क्या हो जाएगा, 7500 नहीं करेंगे, उसमें 10% डिडक्ट करके करेंगे। अभी मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, समझ में आएगा, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली कॉन्सेप्ट यह है कि कंपनी जब कभी भी डिबेंचर होल्डर को ब्याज देने वाली होगी ना, तो वो इंटरेस्ट को काट करके देगी। मान लेते हैं एग्जाम्पल 10% डिबेंचर ₹1,50,000 इंटरेस्ट पेबल ऑन 31st 3 2022, टीडीएस रेट 10%। कहने का मतलब बड़ा सिंपल है, देखो पूरा लैंग्वेज तो नहीं लिखा लेकिन बड़े सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूं मैं। कहता है क्या है जी, मेरी कंपनी के पास क्या है, 15,000 1.5 लाख के डिबेंचर है, जिस पे 10% के हिसाब से 15,000 का ब्याज देना है, और हमें देना है 31 मार्च को, यानी साल में एक बार, और उसके बाद उसके ऊपर टीडीएस काटना है हमें कितने, 10%। तो सबसे पहले तो डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट ड्यू करेंगे, तो एंट्री क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर। आप वैसे इंटरेस्ट की बात करूं तो इंटरेस्ट आपने बताया 15,000, डिबेंचर होल्डर को क्या पूरे 15,000 दे देने चाहिए, जवाब है नहीं। सर क्यों पूरे 15 क्यों नहीं दोगे, क्योंकि टीडीएस भी काटने हैं। टीडीएस कितने कटेंगे, 15,000 पे 10%, इस 15,000 ब्याज पे कटेंगे,
1500, तो डिबेंचर होल्डर को जो मिलेगा वो मिलेगा ओनली 13000 और टू TDS पेबल कितने। अगर मैं बात करूं कि इस 1500 की एंट्री करके दिखाओ तो एंट्री होगा TDS पेबल अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू गवर्नमेंट हो जाएगा, टू बैंक को पेड करेंगे ना, तो हो जाएगा TDS पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक। लेकिन आपसे एग्जामिनर इस TDS की पेबल की एंट्री नहीं पूछेगा, पूछेगा तो सिंपली हम बता भी सकते हैं, ठीक है। अगली एंट्री क्या होगा, हमें पेमेंट करना है डिबेंचर होल्डर को, तो डिबेंचर होल्डर टू बैंक। बताओ डिबेंचर होल्डर के हाथ में कितने पैसे दिए जाए, क्या पूरे 15000 दे दिए जाए, कितने देने चाहिए, 13500। अब बताइए मेरे लिए P&L में कितना जाना चाहिए, जो मैं लिखूंगा अगली एंट्री, स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। आप देखो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर मैंने डेबिट भी तो 15 ही किया है ना, ये तो यहां क्रेडिट भी कितने होंगे, तो जब TDS के साथ होगा तो ये रहेगा। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर वाला क्वेश्चन इशू में तो बहुत सिंपल बनता है, कॉम्प्लिकेटेड पता है कब आता है, रिडेम्पशन में। जैसे कि मान लेते हैं 1,00,000 डिबेंचर था, साल के बीच में 5,000 रिडीम कर लिए, फिर थोड़े टाइम बाद 5,000 रिडीम कर लिए, तो इंटरेस्ट फिर उसके हिसाब से कैलकुलेट करना पड़ेगा और टैक्स लाइबिलिटी भी, ठीक है ना। तो ये था विद TDS का कॉन्सेप्ट, बड़ा आसान है, इसको कॉम्प्लिकेटेड मत करिएगा, और ये विदाउट फटाफट से नोट कर लीजिए, फिर हम बुक के क्वेश्चन देख के खत्म करते हैं इसको। किसी को डाउट हो, जो बच्चे लाइव क्लास में हैं, अगर किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हैं।